नमस्कार मित्रों, अब जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर माह कैसा रहेगा। कन्या राशि के लगन में इस समय सूर्य, मंगल और बुध गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में तुला राशि में केतु गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में। आठवें भाव में बृहस्पति, राहु और चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। ग्यारहवें भाव में शुक्र कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। जो योग बनता है वो परिवार, नौकरी और व्यवसाय में सामंजस्य बनाने के लिए उत्तम रहेगा। अन्यथा अगर आपने इसमें सामंजस्य नहीं बनाया तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों के लिए परिवार और अपने कार्य क्षेत्र के बीच में सामंजस्य बनाएं, अन्यथा परिवार या कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब जानते हैं नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए यह समय कैसा रहेगा। नौकरी पेशा वालों के लिए अगर देखें तो यह समय उत्तम नहीं रहेगा। कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगन का स्वामी कुछ परेशानियों को लेकर योग बना रहा है। दशम का स्वामी भी अष्टम भाव में राहु और चंद्रमा के साथ गोचर कर रहा है। परिवर्तन के कार्य में परिवर्तन के योग बनते हैं। उच्च अधिकारियों से बिना वजह ना उलझे, अन्यथा परेशानियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं व्यवसायिक के लिए कैसा रहेगा। व्यापारी पक्ष के लिए यह समय कुछ परेशानियों भरा हो सकता है। कार्य में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। धन को लेकर मन में असमंजस्य की भावना पैदा हो सकती है। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या किसी नई योजना पर कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी यह समय अनुकूल नहीं है। इस माह के अंत में जाते हुए कुछ परिस्थितियों में बदलाव होने के योग बनते हैं। कृपया ध्यान से कोई भी लेन देन करना हो तो ध्यानपूर्वक करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। अब जानते हैं महिलाओं के लिए यह समय कैसा रहेगा। महिलाओं के लिए यह समय कुछ अनुकूल दिखता है। इसमें परिवार को लेकर कुछ सुख सुविधाओं को लेकर जो कार्य करना चाहते हैं उसमें कुछ योग आपको मिलते हैं। यदि महिलाएं किसी कार्य क्षेत्र में या कोई व्यवसाय में हैं तो नए व्यवसाय को लेकर भी उमंग और मन में उत्साह बनते हुए योग दिखते हैं। यदि आप किसी मकान को या किसी सौंदर्य पदार्थ को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए लेन देन करते समय कुछ सावधानियों का प्रयोग करें, अन्यथा नुकसान होने के योग दिखते हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए यह समय कैसा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय कुछ परेशानियों भरा हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर और मानसिक स्थितियों में कुछ परेशानियां दिखती हैं। जो ग्रहों के योग से यह शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अनबन या परेशानियां दिखा रहा है। अपने गुरुजनों से और अपने परिवार से अपनी मनोस्थिति को और अपने मन की बातों को बताएं ताकि आप इसमें कुछ अच्छा कर सकें। अब जानते हैं कन्या राशि विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह, यह महीना कैसा रहेगा। इस माह में बुध, मंगल और सूर्य का योग, चंद्रमा अष्टम हाउस में गोचर कर रहे हैं राहु के साथ। यह योग दिखाता है कि छात्रों के लिए यह समय अनुकूल नहीं रहेगा। मन में कुछ असमंजस्य की भावना रहेगी। विद्या को लेकर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने गुरुजनों से बनाकर रखें, अपने गुरुजनों की सहायता लें, अन्यथा विद्या के क्षेत्र में आपको परेशानियां रहेंगी।